कल्याणी, आप सबका स्वागत करती हूँ कल्याणी फैमिली ब्लॉग एंड सिलाई पर। तो आज मैं एक खूबसूरत सा बैकनेक डिजाइन ब्लाउज का शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। इसके लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा ले लिया है, इसकी मेन फैब्रिक ये है। तो मैं पहले अस्तर पर मार्क कर लेती हूँ। ये डिजाइन मैं बिना बुकरम का बना रही हूँ, तो मैं इसका मार्क कर लेती हूँ। पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मुझे इस ब्लाउज को बनाने के लिए रेडी नाप 12 इंच है इसका। 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी, तो 13 इंच पर मैंने मार्क किया। चेस्ट का माप 29 इंच है, तो मैं इसमें 5.5 इंच का नाप ले रही हूँ शोल्डर का। नीचे भी 5.5 पर मार्क करेंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे लाइन। उनतीस का चौथाइया 7.25 होता है, तो मैं एक लाइन यहाँ से मार्क करूँगी और 2 इंच का इसका एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, तो 9.25 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। कमर का नाप है 25 इंच, 25 का चौथाइया 6.25 होता है, तो मैं एक मार्क यहाँ करूँगी और पीछे का टस्क के लिए मैंने 1 इंच का मार्क लिया है, तो 7.25 पर हो गया और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इस लाइन को मिला लेंगे। ये मेरा रेडी नाप है और ये मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है। यहाँ पर गोल शेप देंगे। इस तरह से अब हम इसका गले का लंबाई लेते हैं। गले का लंबाई 10 इंच पर किए हैं और 3 इंच पर एक और मार्क किए हैं और इस पर इसका चौड़ाई 3 इंच लिए हैं, तो इसका बॉक्स बना लेंगे ऊपर और नीचे का। बीच वाले पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका बॉक्स बनाकर इस पर गोल शेप देंगे इस तरह से। नीचे वाले बॉक्स पर भी अच्छे से गोल का शेप देंगे। रेडी हो गया है। तो ये हम अस्तर पर ही मार्क किए हैं। अगर आप पेस्टिंग पेपर पर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर मार्क करें। इसके लिए अस्तर पर मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, पेस्टिंग पेपर पर ही हो जाता है। अब इसका कटिंग कर लेंगे। गले का कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। मेन फैब्रिक पर रख कर ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को और कटिंग कर लेंगे नाप से। कटिंग कर लिया है हमने। अच्छे से फिनिशिंग से शेप दे लेते हैं क्योंकि इसका दूसरी साइड भी हमें इसका मार्क करना है। तो एक बार उसके टैप करेंगे पलट कर तो दूसरी साइड भी आ जाएगा इसका चिन्ह। उसी पर हम पेंसिल चलाकर इस तरह से मिलाकर गोल शेप कर लेंगे।
साड़ी वाले कपड़े को सीधा रखेंगे और ब्लाउज को उसके ऊपर, अस्तर वाले को रखेंगे ब्लाउज कपड़े के ऊपर और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पिन अप करेंगे ताकि इधर उधर ना हो सिलने समय, और जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गया है, अब इसका कटिंग करेंगे। चारों तरफ हल्का हल्का कटिंग कर लेंगे, इसे पलटना है हमें। अब इसको पलट लेते हैं। कोने को अच्छे से किसी टूल्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये निकाल लिया है मैंने, अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। ब्लाउज के चारों तरफ अब टाक लेंगे। इसमें टक्स लगाएंगे, 4 इंच पर टक्स लगाते हैं हम लोग। दोनों साइड टक्स लगाकर रेडी करेंगे। ये मैंने लगा लिया है। 2 इंच का एक पट्टी लेंगे अस्तर वाले कपड़े का और नीचे साइड सिलाई लगाएंगे। किनारी को मोड़ लेंगे और उस पर भी सिलाई लगाएंगे। बचे हुए साइड वाले कपड़े को काट लेंगे हम लोग। अब ये जो नीचे जोड़े हैं कपड़ा अस्तर वाला, उसको हेम कर लेते हैं। हेम लगा लिया है हमने। अब ये डिजाइन बनाने के लिए 4 इंच का लंबा सा पट्टी लेंगे और इसको मोड़ कर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लिया है हमने। अब इसकी छोटी छोटी सी चुन्नट लगा लेते हैं बिल्कुल सामने सामने इस तरह से। चुन्नट बन गई है। अब इसको सिलाई करते हैं। अच्छे से रखते हुए किनारे किनारे और इसको सिलाई लगा लेंगे। बचे हुए को काट कर अलग कर देते हैं। जितना जितना बड़ा मेरा यहाँ लगेगा उतना ही लगाते हैं। अब इस पर लेस अटैच करते हैं। लेस हम ऊपर से गोल शेप में अटैच करेंगे। सावधानी से सिलाई लगाते हुए लेस अटैच करेंगे।
लेस लगा लिया है। अब इस पर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए लेस। यहाँ पर मोती अटैच करना है हमको इस तरह से, तो जहाँ से मोती अटैच करना है वहाँ पर एक लाइन और हम सिलाई लगा लेंगे ताकि इधर उधर शेप ना हो, एक लाइन हो जाएगा सिलाई का, तो हमें उसी सिलाई पर ही मोती अटैच करना है। आधा इंच की दूरी पर जहाँ लेस लगाए हैं उसे आधा इंच की दूरी पर एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से जहाँ सिलाई है वहाँ पर जो चुन्नट की कोना है उसको सिलाई पर ही रखेंगे मोड़कर और वहाँ मोती अटैच करेंगे। मोती को अच्छे से बांधेंगे ताकि बाद में भी खुले ना धुलने उलने समय। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के रेडी होता है ये, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा ऐसा डिज़ाइन। और मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। देखिए मैंने मोती अटैच कर लिया है और कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। इस पर मैं फैब्रिक लटकन बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, पर मैं लटकन बना रही हूँ। सिंपल वाले लटकन ही है ये, आसान विधि से बनता है। देखिए 4 इंच का कपड़ा लिया था और उसे मोड़कर सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। दूसरा वाला भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है बटन। लटकन भी बहुत खूबसूरत बना है। देखिए खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी है हमारा। और इसके बाजू डिज़ाइन देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।